वॉस्टल न्यूज में स्वागत है आपका, महेंद्र सरदार। अब तो सियासती के मामले में मौलाना का यानी कि तजुर्बेदार मौलाना का ये कहना है ताकि इस बार उन्हें होड़ डालिए जहां पर जुल्म खत्म हो जाए और मुसीबतें चले जाए। आपका जो भी वोटर कार्ड ना हो, जो भी वोटर है, वोट जरूर बनाएगा अगर वक्त रहा तो, मगर जिनको वोट डालिए मगर उनको जिनसे जुल्म और यहाँ पर तकलीफें मुसीबतें इस मुल्क में जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वरना किसी को औरत हो या कोई युवक हो, जैसे कोई भी हो, वोट अनमोल होता है, ये बात बिल्कुल ही सच है। जिनको लाना है, जो जिसने मुल्क में सुकून अमन और शांति लाएंगे, उनको ही वोट देना जरूरी है। यानी कि अच्छे लीडर्स को, अच्छे व्यक्ति को लाना जरूरी है, ताकि अब ऐसा नहीं होना जिसे वोट डालकर मुसीबतें झेलनी पड़ी और यहाँ पर एक बार चुनाव जीत के आए तो दोबारा आने से वक्त लगता है, बदलाया नहीं जाता। तो उसी पर मौलाना का ये कहना है ताकि जो भी है वोटर्स बिल्कुल ही ना मिस हो जाए। अगर मैं कहने से उन्हीं की जुबान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वोटर्स को भी मालूम होगा ताकि किस वोटर्स ने मिस करे या ना करे और किसको डाले और किसको ना डाले, ये तो फैसला वोटर्स का ही होता है। मगर यहाँ पर तजुर्बेदार मौलाना का क्या कहना है उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे वायरल वीडियो का एक रिपोर्ट। वाला जो इलेक्शन है इसमें भी हमको यही सोचकर हिस्सा लेना है कि हमको जाहिलियत के जुल्म और सितम को कम करना है और धीरे धीरे खत्म करना है। कहिए इंशाअल्लाह। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, याद रखना, हर मुसलमान वोट देने वाले लड़के और लड़की नौजवान वोटर का वोट पढ़ना चाहिए। एक भी वोट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना पढ़े। मैं जानता हूं एक भी वोट ना पड़े। याद रखना, अगर आप हर अमल नियत के हिसाब से होता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कोई वोट डालता है किसी और नियत से, आप वोट डालें इस नियत से कि मैं चाहता हूं कि मेरे वोट के जरिए मेरे मुल्क के अंदर जुल्म कम हो, मेरे मुल्क के अंदर इज्जतें कम लूटी जाएं, मेरे मुल्क के अंदर बेगुनाह लोगों को जेल में ठूसना बंद हो। आपका एक वोट बहुत कुछ करा सकता है। काहली सुस्ती मत कीजिएगा। वोट है वो, इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए, अपनी कमेटियां बना लीजिए, हर मोहल्ले के अतबार से और बूथ के जिम्मेदार होने के अतबार से एक एक वोटर मर्द और औरत को इज्जत के साथ ले जाकर वोट डलवाइए। इंशाल्लाह करेंगे। बहुत ही अहम मसला है, मैं इससे ज़्यादा इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत नहीं समझता, इतना इशारा काफ़ी है। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कहीं आप में कोई ऐसा बैठा हो कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा आप समझ भी नहीं सकते। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्ले आम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। और इंशाअल्लाह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये मुल्क मुजद्दिद फिसानी का है, ये मुल्क शाह वलीउल्लाह का है, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का है, ये मुल्क हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का है, ये मुल्क अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों का है। इसलिए आप सब इस खबर को आम करें, औरतें भी वोट डालें। अभी तक जिन लोगों ने अपना वोटर आईडी नहीं बनवाया, अब भी अगर बन सकता हो तो ज़रूर उसको बनवाएं। ये बात मैं बहुत अहमियत के साथ कहना चाह रहा हूँ।